जी इंतहाई खुशायन बात है कि इस पार्टी की क्यादत अब नौजवान कांधों पर आ रही है। मेरा आपसे एक इंतहाई सादा सा सवाल है कि आपकी पार्टी ने मुल्क और सूबे के लिए कोई एक अच्छा काम किया है? अगर कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बराए मेहरबानी हमारी मालूमात में इजाफा फरमा दें। जिस तरह मैंने कहा, मैं माजी के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा। पार्टी एक नए विजन से काम करेगी, वो विजन जो जुबैदा सिकंदर का विजन था। हम उसी विजन को आगे लेके जाएंगे। मैं मानता हूँ मुल्क और पार्टी एक बहुत मुश्किल मरहलों से गुजरी है। हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं है दैट हमारी पार्टी ने कभी लोगों को सर्व नहीं किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपने जो सवाल किया, आप उसमें तब्दीली ज़रूर देखेंगे। अच्छा, आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी, आपकी तालीम भी वहीं से थी, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे मुल्क के साथ? अगर मैं ख़ुद एक ख़ास शख्स बन के एक आम आदमी से ना मिला होता, तो मुझे कभी नहीं पता होता कि एक आम आदमी किस तरह सोचता है और क्या महसूस करता है। क्योंकि मैंने एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारी है, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम आदमी क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं और वो क्या डिजर्व करता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप सच से आगाज करेंगे या फिर दूसरों की तरह झूठ से? सच से, जैसे मेरी माँ कहा करती थी, बिल्कुल वैसे। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो आखिरी चेयरमैन हैं मिस्टर दाऊद अली खान, आप उनके लिए गए फैसलों को सपोर्ट करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? मैं सपोर्ट करता हूँ दाऊद अली खान के हर एक्शन को जो पास में लिया गया, वो आवाम की बेहतरी के लिए लिया गया। क्या हम तवक्का कर सकते हैं आपसे जो आपकी माँ ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे, क्या आप उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे? यकीनन ऐसा ही होगा। आने वाले सालों में आप वही विजन देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर का था। थैंक अब वही पार्टी देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर के वक्त पे थी। थैंक यू सर। यू वेरी मच। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।